हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आरा के रमना मैदान स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में आरती का आयोजन हुआ। प्रदेश संयोजक सोनालाल की उपस्थिति में भव्य आरती आयोजित की गई। साथ ही श्रेया कुमारी को हिंदू जागरण मंच के महामंत्री विशाल सिंह के द्वारा संगठन की सदस्यता दिलाई गई। उक्त अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कुमार, प्रवीण बजरंगी, दुर्गेश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं हिंदू जागरण मंच की सदस्यता ग्रहण करने वाली श्रेया कुमारी ने बताया कि इस हिंदू जागरण मंच की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू युवतियों को उनके धर्म के प्रति जागरूक करना है। वहीं जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ पूरा मंदिर गुंजायमान रहा। को मेरा नमस्कार और जय श्री राम। मैं श्रेया कुमारी, मैं अपने हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, पूरी दम से, पूरे हिम्मत से मैं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाऊंगी। क्यों आपके मन में विचार आया कि हिंदू जागरण मंच से जुड़ना चाहिए, क्या इससे किस तरह आप प्रभावित हुए? जी, मैंने बहुत सारे कहानियां सुनी और बहुत सारे किस्से सुने हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और सुने हैं, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ को, और चारों तरफ से हमारे देश को हमला किया जा रहा है, और सारी हिंदू लड़कियां, हिंदू लड़के तो जागरूक है, लड़कियां को जागरूक करना हमारा फर्ज। किस तरीके से लड़कियों को जागरूक करने की जब बात हो रहा था, थोड़ा बहुत लग जाती जी, किस तरीके से लड़कियों को जागरूक? जी, लड़कियों को अपने से समझने की ये होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, और कुछ हम लोग प्रयत्न करेंगे, कुछ वो प्रयत्न करेंगे। इससे समाज के मुख्य धारा से लड़कियां इधर उधर जा रही हैं, संगठित करना है और अपने बलबूते पे। आज के कार्यक्रम का मुख्य प्रायोजन था कि नारी शक्तियों को हिंदू समाज में आगे की भूमिकाओं में लाना, नारी शक्तियों में संगठन का निर्माण करना। उसी क्रम में श्रेया है, इन्होंने पराक्रम दिखाया और हमारे संगठन के लिए खुद आगे आकर इन्होंने कहा कि हिंदू समाज में संगठन निर्माण करने के लिए मातृ संगठन का नेतृत्व ये करेंगे, और ये हमारे समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक है किस तरीके से समाज में चल बढ़ के लड़कियां भी आगे आ रही हैं, जो समाज में हिंदू समाज में संगठन का निर्माण हो। आए दिनों हम लोग देखते हैं कि लव जिहाद जैसी घटनाएं होती है, लव जिहाद पे हमारे जो नवयुवतियों का शिकार बनाया जाता है, तो उन माध्यमों से हम संगठन तो निर्माण कर रहे थे, समाज के नवयुवक से लेकर वृद्ध जन तक, माताओं तक पहुंचे थे, लेकिन आज बालिकाओं तक पहुंचे हैं, जिससे ये समाज में ये उद्देश्य हमारा एक स्पष्ट हो जाए और समाज तक अपने विचारधारा को हम लोग पहुंचा पाए, उसके लिए श्रेया जैसी लड़कियां और भी संख्या में श्रेया के माध्यम से आएंगी, जिससे समाज में हो रहे हमारे बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और इनके साथ जो प्रपंच से फंसाया जाता है, जिस तरीके से प्रपंच का इस्तेमाल करके हमारे समाज की बहन बेटियों को दूषित किया जाता है, वो ऐसी घटनाएं ना हो। वैसी घटनाओं को हम जैसे कि लड़के जाके बात नहीं रख पाते थे,
जो जिस तरीके का समाज की संरचना है, लेकिन लड़कियां भी अब बात रखेंगे हिंदू जागरण मंच की तरफ से, जिससे हिंदू समाज समर्थ समृद्ध और संपन्न बने। मतलब हिंदू जागरण मंच अपना महिला ब्रिगेड तैयार कर जी, ये महिला ब्रिगेड तैयार, पहले से मातृ संगठन हमारा काम करता था, लेकिन बालिकाओं के रूप में पहली व्यक्ति है जो हिंदू जागरण मंच पहली बालिका है श्रेया, जिसका हम लोग आज भरपूर स्वागत बड़े मन से भगवान हनुमान जी के और भगवान श्री राम जी के समक्ष साक्ष्य मान के उसको हम लोगों ने संगठन में ये लाया है कि हम अपनी विचारधारा और अपने उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य और संगठन का निर्माण किया जा सके।